आज हम बनाएंगे तिल और सिंगदाने के लड्डू। इसे बनाने में ना घी लगेगा और ना चीनी। ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इसलिए हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये फटाफट बनके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर ले और उसमें 2 कटोरी सिंगदाना डाल दे। सिंगदाने को अभी 2-3 मिनट तक हमें ड्राई रोस्ट करना है। गैस के फ्लेम को लो ही रखें। जब ये सिंगदाना अच्छे से भून जाएगा तभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें 1 कटोरी तिल डाल दें। अभी हमें तिल को भी 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। जब ये भी अच्छे से भून जाएगा तभी हम इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे सिंगदाना और तिल ठंडा हो गया है, तो इसमें 1 कटोरी गुड़ डाल देंगे। मैंने जितना गुड़ डाला है उससे लड्डू ना ज़्यादा मीठा होगा ना ज़्यादा फीका होगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसमें आप और थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। अभी इन सभी चीज़ों को आधा आधा करके मिक्सर के जार में डाल देंगे और इसे थोड़ा सा बारीक कर ले। तो यहाँ पे मैंने इसे दरदरा इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो बचा हुआ था उसे भी पीस लिया है, इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तभी हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सचर एकदम सूखा सूखा है, तो इसलिए इसके लड्डू नहीं बन रहे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 चम्मच ऐसे पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी इसके लड्डू बना ले। आपको जिस आकार के लड्डू चाहिए वैसे आप लड्डू बना सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से लड्डू बन रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पानी डालने से लड्डू ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, जल्दी ख़राब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लड्डू आराम से आप 1 महीने तक खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रहे पानी चम्मच से ही डालें, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए ताकि लड्डू अच्छे से बन सके। इस सारे मिक्सचर में मुझे सिर्फ 3 चम्मच पानी लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लड्डू बना है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। इस लड्डू बनाने में कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ये फटाफट बनके तैयार हो जाते हैं। आप इसे इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखें, आपके ये लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। इसे आप इस ठंडी में या संक्रांति में बना कर खा सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।